अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन किसे कहते हैं और इसे हम क्यों स्टडी करेंगे? एक्चुअली जो जनरल गैस इक्वेशन है, दिस इक्वेशन टेल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जनरल गैस इक्वेशन रिलेशन बताती है, किसके दरमियान में रिलेशन बताएगी? डिफरेंट वेरिएबल्स, और वो वेरिएबल कौन कौन से होंगे? वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान में रिलेशन बताएगा। अब जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव कैसी होगी, किस इक्वेशन को जनरल गैस इक्वेशन कहा जाता है? तो जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन सबसे पहले स्टडी करते हैं। अच्छा, जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन पढ़ने के लिए अभी तक हमने जितने भी ला पढ़े हैं, बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, तो वो उन लॉस को दोबारा हमने मेन थीम, उनके मेन फॉर्मूले देखने होंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं बॉयल्स ला की, हमने बॉयल्स ला में प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था? बॉयल्स ला हमने ये पढ़ा था कि वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस, गैस की अमाउंट कांस्टेंट रहेगी तो प्रेशर प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसके लिए हमने ये पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये फर्स्ट हमने लॉ पढ़ा था। इस लॉ के बाद हमने सेकंड लॉ पढ़ा था, उसे हमने नाम दिया था चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ में हमने क्या स्टडी किया था? इसमें हमने ये बताया था कि जो वॉल्यूम होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस कॉन्स्टेंट रहेंगे। इसके लिए हमने ये स्टडी किया था, इस तरह पढ़ा था कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था। इसके अलावा नंबर थ्री, एक और लॉ जिसे अभी तक हमने स्टडी नहीं किया, वो था, वो पढ़ना है एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ हमें क्या बताता है? एवोगैड्रोज लॉ के मुताबिक ये होता है कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस, मतलब अगर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस, गैस की अमाउंट को बढ़ा देंगे तो फिर गैस का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। जितने गैस के मोल बढ़ते जाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जितनी गैस के मोल, गैस की अमाउंट कम होती जाएगी, वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इसे कहते हैं एवोगैड्रोज लॉ। जबकि कांस्टेंट क्या होगा? टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है इस लॉ। अगर हम इन तीन लॉस को, इन तीन फॉर्मूलास को कंबाइन कर दें और हम ये सपोज करें कि व्हेन नन ऑफ द वेरिएबल इज अ कांस्टेंट, कि कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है, और इन तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर दें तो इक्वेशन ओवरऑल क्या बनेगी? इक्वेशन इस तरह बन जाएगी कुछ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमने बात कर दी बॉयल्स लॉ की। नंबर ऑफ मोल एवोगैड्रोज लॉ के लिए लिख दिया, और टेम्परेचर किसके लिए लिख दिया? चार्ल्स लॉ के लिए। तो इन तीनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री को कंबाइन करने से जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होगा, हमारे पास होगा व्हेन नन ऑफ द वेरिएबल इज कांस्टेंट, जब कोई वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होगा। अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो इक्वल का साइन लगाएंगे, और इस इक्वल के साइन के बाद कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ जाए, तो यहां पर हम कांस्टेंट यूज करते हैं आर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? वॉल्यूम वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आर, आगे लिखा हुआ है एन टी ओवर पी बन जाएगा। यहां पर आर क्या होगा? आर वैसे हम कांस्टेंट कहते हैं, आर का नाम क्या होगा? आर नॉर्मली कहलाता है जनरल गैस कांस्टेंट।
क्योंकि हम जनरल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जनरल गैस कांस्टेंट कहलाएगा, इसे आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसी तरह अगर इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर दूं, अगर प्रेशर को मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊं, तो इक्वेशन बन जाएगी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है जनरल गैस इक्वेशन, और ये जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन थी, जिसे हमने तीन ला पढ़े, उन तीनों ला के फॉर्मूलास को कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इसे कहा जाता है जनरल गैस इक्वेशन का नाम दिया जाता है। अब इस जनरल गैस इक्वेशन को पढ़ने के बाद पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, अगर यहां पर हम एक कंडीशन लगाएं, हम ये सपोज करें कि फॉर वन मोल ऑफ अ गैस, कि जो गैस है सिलेंडर के अंदर जो गैस मौजूद है वो गैस मौजूद है वन मोल। वन मोल का मतलब क्या होगा कि एन इज इक्वल टू वन, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर हो जाएंगे वन के। तो अगर यहां पर हम एन की वैल्यू पुट कर दें, और एन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे वन, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा पीवी इज इक्वल टू आर टी के बराबर आएगा, जबकि एन की वैल्यू वन है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होगी। जब पीवी इज इक्वल टू आर टी, तो यहां पर आर किसके बराबर आएगा, आर किसके बराबर आएगा, तो टेम्परेचर को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा आर जनरल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू पीवी डिवाइड बाय टी के बराबर आएगा। अगर हम इस इक्वेशन के ऊपर फोकस करें, तो इस इक्वेशन में ये मालूम होता है कि द रेशियो ऑफ पीवी टू टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर, जब हम इनके आंसर्स लेते हैं तो इनके जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, कांस्टेंट आते हैं। अब अगर हम किसी भी गैस के ऊपर उसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर पी वन से पी टू में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि टेम्परेचर टी वन से टी टू में कन्वर्ट होगा, तो इसी तरह वॉल्यूम भी वी वन से वी टू में कन्वर्ट होगा, तो क्या बन जाएगा पी वन वी वन डिवाइड बाय टी वन, किसके बराबर आएगा, इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, आर के बराबर रहेगा। इसी तरह चेंज होने के बाद प्रेशर क्या हो जाएगा पी टू, वॉल्यूम वी टू, और टेम्परेचर टी टू, ये भी किसके बराबर आएगा, आर कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर आता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि पीवी डिवाइड बाय टी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। जब दोनों ही कांस्टेंट आर के बराबर है, तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं पी वन वी वन डिवाइड बाय टी वन इज इक्वल टू टी टू वी टू डिवाइड बाई टी टू के इक्वल आएगा। ये हमारे पास होगा जनरल गैस इक्वेशन, और उसके हमारे पास रिलेशन बढ़ते हैं। इस रिलेशन के बाद लास्ट में, अभी जो हमने यहां पर लॉ यूज किए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या फिर एवोगैड्रोज लॉ, इस जनरल गैस इक्वेशन के जरिए पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इस इक्वेशन के जरिए दोबारा हम इन लॉस को ड्राइव भी कर सकते हैं। तो हम यहां पर हेडिंग लिखते हैं डेरिवेशन ऑफ गैसेस लॉ, इन लॉ को गैसेस लॉ कहा जाता है। तो जनरल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इस इक्वेशन से हम बॉयल्स लॉ को पहले ड्राइव करते हैं। अच्छा, बॉयल्स लॉ के लिए कंडीशन क्या थी, बॉयल्स लॉ के लिए कंडीशन थी जब कॉन्स्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, अगर इस इक्वेशन के अंदर हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर दें, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट, टी टेम्परेचर भी कांस्टेंट, और आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो इन तीनों की जगह हम एक नया कांस्टेंट इस्तेमाल कर, इसका नाम होता है के, तो क्या बन जाएगा व्हेन टेम्परेचर एंड एन इज कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगा ये सारे के सारा पीवी किसके बराबर जाएगा, हमारे पास कांस्टेंट के बराबर आएगा। और ये रिलेशन हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू के, जहां पर हमने कहा था सेकंड डेफिनेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो हमने क्या किया, जनरल गैस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ को ड्राइव कर लिया, जब हमने उसके वेरिएबल को कॉन्स्टेंट किया। सेम इसी तरह ये जनरल गैस इक्वेशन है ना, अगर इस जनरल गैस इक्वेशन में पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इसे मैं रीअरेंज करके ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, V वैसे रह जाए, P को इक्वल के इस तरफ लेके जाऊं, तो बन जाएगा डिवाइड के अंदर, तो V इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय T, इक्वेशन वही है
मैंने इक्वेशन में क्या कर दिया, प्रेशर की पोजीशन चेंज कर दी, तो बन जाएगा V इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई पी। अब अगर हम ड्राइव कर रहे हैं चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अंदर कॉन्स्टेंट क्या पड़ा था, चार्ल्स लॉ के अंदर कॉन्स्टेंट था प्रेशर और नंबर ऑफ मोल। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम प्रेशर को और नंबर ऑफ मोल को कॉन्स्टेंट कर दें, और आर तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, तो इन तीनों की जगह हम एक नया कांस्टेंट यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K, और इक्वल टू T के बराबर आएगा, V इज इक्वल टू के टी। ये रिलेशन हमने कहां पर पढ़ा था, ये रिलेशन हमने चार्ल्स लॉ में ही पढ़ा हुआ है, चार्ल्स लॉ। तो कोई भी लॉ ड्राइव करने के लिए लाजमी है कि आपको उनके कॉन्स्टेंट मालूम होने चाहिए। इसी तरह अगर दोबारा हम जनरल गैस इक्वेशन लिखते हैं, जनरल गैस इक्वेशन V इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई पी। अब इस इक्वेशन में अगर हमने एवोगैड्रोज लॉ को ड्राइव करना है, एवोगैड्रोज लॉ के अंदर कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट था टेम्परेचर और प्रेशर। अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं प्रेशर को भी और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दूं, जबकि आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो इन तीनों की जगह एक नया कांस्टेंट यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, V इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट और एन के इक्वल आएगी, तो V इज इक्वल टू के एन, ये एवोगैड्रोज लॉ होता है। तो जनरल गैस इक्वेशन सबसे पहले इसकी आपने डेरिवेशन याद करनी होगी, उसको इसका रिलेशन बनाओगे और किस तरह जनरल गैस इक्वेशन से हम डिफरेंट गैसेस लॉ को ड्राइव करते हैं, इन तीनों को अलग अलग याद करेंगे। ये टॉपिक यहां तक कंप्लीट करते हैं, अल्लाह हाफिज।